बरतानिया में ईद के हवाले से जो तूफान बदतमीजी उठा हुआ है वो आपने देख लिया कि बजाय ये कि ये एक जगह इकट्ठे बैठकर अवाम को रिलीफ दें, इन्होंने वही पुराना कुलिया जो है वो अख्तियार कर लिया है। कोई 30-30 मिनट के मैसेज भेज रहा है, कोई फतावा रिजविया जो है वो हवा में लहरा कर वही दावे इल्मी दावे शुरू कर दिए लोगों ने। हमने ये नौसरबाजियां पहले भी देखी हैं, पहले भी आप ये लोग हैं जिन्होंने आपस में मुआहदे किए, दस्तखत किए और फिर उससे मुनारफ हो गए। हम ये चाहते हैं कि आप लोग इकट्ठे एक जगह बैठें और ऐसा मुआहदा करें, हमें ईद एक दिन चाहिए, हमें ये आपकी इल्मी बहसे नहीं चाहिए कि आप कोई फतावा रिजविया उठाकर जो है वो अपनी इल्मी जोर दिखा रहा है। ये फतावा रिजविया दाढ़ी के बारे में भी क्या हुक्म देता है ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये फतावा रिजविया जो इमाम की सफात के बारे में क्या हुक्म देता है ये भी आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, उस पर आप लोग कितना अमल कर रहे हैं ये मैं आपको तुफ ही कह सकता हूँ कि अपनी मर्जी से आप जो है ये किताबें लहरा कर अवाम पर जो है अपने चंद साथियों के साथ बैठ कर जो है वो अपने इल्मी जोर दिखा रहे हैं। हमें इससे कोई फायदा नहीं है, हमें फायदा ये है हमें ईद एक दिन चाहिए। ये जो चीजें हैं ये आप ऑन द कैमरा एक जगह बैठ पर दोनों, ये दूसरी टीम भी जो है ये जो मौके बरतानिया है ये उनसे भी मैं कहूंगा कि ये जिस तरह उन्होंने लामा साहब ने आपको शिकवा भेजा है आप जवाब शिकवा जरूर उस तरह भेजें, लेकिन एक जगह बैठे और अवाम को जो है एक वो कहते हैं ना एक लड़ाई होती है या एक कहीं भी कोई मुकाबला होता है, दो टीमें आपस में उतरती हैं मुकाबला करती हैं, लेकिन एक जो विनर होती है या जिस पर वो भी फुटबॉल ही रिसेंट आप देख रहे हैं कि पेनल्टियों पे फैसला हुआ या आखिर में एक्स्ट्रा टाइम देकर फैसला हुआ, लेकिन जो फैसला है वो अवाम के सामने आना चाहिए ताकि ये जो आपके मकरूह चेहरे हैं आने वाले वक्तों में जब आप मुनहरफ हों तो हमें पता, हमें ये साउथ अफ्रीका अमरीका ये कनाडा और ये पाकिस्तान ये हमें ये चीज नहीं आप चाहिए, ये हमने आपकी नौसरबाजियां देख ली हैं। हमारा आपसे सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हमें ईद इकट्ठी चाहिए, बाकी ये बोगस ना आपके फैमिली झगड़े ये आप अपने घरों में ले जाएं, लेकिन अवाम को जो है वो एक ईद दें। और आप कितने खालिस हैं दीन के साथ, आप कितने जो हैं वो हमने आपका देख लिया सारा कुछ, लेकिन ये जो जूते अवाम आपको मारी अगर आप पर इसका थोड़ा सा भी असर है, और मैं अवाम से भी ये मुतालबा करूंगा कि ये देख लें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक बोल रहे हैं और ये लोगों ये लोग जो हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि ये इसी तरह ये जलीलो ख्वार होंगे। मेरा आप लोगों से ये एक दफा फिर ये मुतालबा है कि बजाय इनकी कैसा लेसी, बजाय इनकी वो जो हमारा दोहरा मियार है मुनाफकाना क्या मुंह पर जो है वो लामा साहब पीर साहब करते हैं, मौलाना साहब करते हैं, लेकिन गलियों और नुकड़ों में बैठकर इनको वो जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये आपके मुनाफकाना रवैये जो हैं इन रवैयों ने इनको जो है वो यहां तक शेयर कर दिया है, और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपनी कब्रों का ख्याल करते हुए सिर्फ अवाम को एक ईद देंगे। हमें दूसरे मसालक से कोई नहीं है, हमें अपने मसलक का जो आप लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है इस पर आप जो है वो गौर करें और मैं कहूंगा कि शर्म करें।